सो हे गाइस, अभी रात के बज चुके हैं 10 और मैं यहाँ पे कंबल पे बैठा हूँ और इधर चल रहा है टीवी और इधर हमारा चल रहा है यूट्यूब वीडियो जो कि अभी एक पोस्ट हो चुका है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं आपको, मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ उसको आप मतलब बोरिंग फील होता होगा आपको, पता नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी बनाने का मन करता है तभी मैं बनाता हूँ। और निकी उस रूम पे है, दीदी और मतलब भांजा वहाँ पे है, तो वहाँ पे गई है और मम्मी पापा अभी खाना वाना खा के मार्केट चले गए हैं। तो मम्मी पापा वहीं रहते हैं रात को मार्केट, मतलब रात को कभी यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन आज दीदी और भांजे वो लोग आए हैं तो जगह नहीं है तो इसीलिए मार्केट वाले घर पे गए हैं। तो अभी देखना कितना कुछ हो चुका है, हमारे जो तैयारी हो रही है कल बहुत भराई की, तो आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नारियल को बारीक तरीके से ग्राइंड कर चुके हैं और इसमें है पीठे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। इसमें पता नहीं क्या है, इसमें चावल का पाउडर है और केला है और चीनी और गुड़ है। और ये जो बर्तन है मैं अपने ससुराल से लेके आया हूँ, लोहे का है, इसमें बनेगा पीठा। तो कल आपको दिखाएंगे, अभी तो रात को सुबह उठ के दिखाएंगे। और इसमें कुछ मतलब कल चिकन बनाने के लिए कुछ प्याज वगैरह को ग्राइंडर करके रखा है। और इसमें है चावल और अभी चिकन पकाया, पता नहीं किस इसमें है। देखो तो टेस्टी चिकन है, अभी हम खाएंगे इसको। तो अभी हम करेंगे डिनर, तो आज हम नीचे खाएंगे। वो मैंने दिखाया क्या क्या है कल के लिए, है ना। मेरे को लगी भूख, रात के 10 बज गए हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया। तो आज हमारे घर पे रात में होगा चावल। वैसे रोटी मम्मी और पापा को दे चुके हैं और हम अभी चावल खाएंगे और चिकन है साथ में, अभी जो आपको दिखाया मैंने। अभी रात के बजे है 12 और अभी भी मेरे घर में बन रहा है पीठे। देखो 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 देखो, ये अभी तक नहीं सोए, तो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। जो मेरी ननद की जो सास है तो वो मतलब वो भी बना रही है। अभी मैं थोड़ा हेल्प करके आई थी, मतलब हेल्प क्या, मतलब हेल्प किया और खड़ी थी वहाँ पे, फिर मैं थक गई, फिर आ गई बैठ के, बैठने आ गई। तो चलो मैं आप सबको दिखाती हूँ, ठीक है। कुली पिठे और यहाँ है ये पिठे, इधर बन रहा है और भी। यहाँ मोहिमा बना रही है। है दयासी, इसमें है दूध, इसमें भी है दूध, है चावल। तो यहाँ पे देखो, अभी रितु बना रही है ये सेवैया। चीनी डालोगी अभी? अभी नहीं। इसको ना, इसको अभी सिंग में डालो, फेंको। नहीं फेंकना नहीं है, इसके अंदर देना है, इसको से दोगी क्या? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे भी अभी भी मोहिमा का पीठे बन रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे पीठे बने हैं। अभी भी ये बना है, इधर बना है, कल रात को दिखाया था आप सबको। और यहाँ पे सारी जो कि मेरे सास ससुर ने मुझे वाला साड़ी गिफ्ट किया है, मतलब रिवाज के लिए दिया है ये साड़ी, ये एंड
ये ब्लाउज रितु ने बनाया और अभी आए हैं मतलब शाखा वाले शाखा बनाने, मुझे अभी शाखा बनूंगी। सिंदूर बिंदु कुछ नहीं लगाया क्योंकि नया चाहिए मुझे हर चीज। तो अभी कहीं पे गए हैं। कोई दीदी पूरी सिंदूर आलता से तो नो पलिश ना नो कर से ना सिंदूर और आलता से दिखा देगी एक तो बड़ा बड़ा पर आवाज़ आए इन्हीं पर खुला खुली करे ना बराबर बराबर खुला खुली करे ताई एड धान है मोटा भी चला धान तो मोटा ही नहीं ए जे जे तो मोटा मोटा तो ही लगे मुझे भी भल देते चला ये भी भल देते चला अरे नहीं हम थोड़ी सी बहुत इतने कुछ मोटा ना ना मतलब मेरे को भी ठीक है सी तो ढील नहीं पड़ा शाखा तो डिजाइन वाला था ना मैंने पढ़ा भला तो क्या तुम देना भला तो सोच रहे हो दे और ये तो मत करो ध्यान ध्यान दे डिजाइन अच्छा है तय किए जल वो मोदी की चुना कौन कर मोदी की तय जेट्टा धारी तू हेलो ओटो ओटो दादा आई से মগরমুখী শাখা রয়েছে না বড় চাচ্ছি বলে বড়টাই দেখাচ্ছি আর বলছো খোলবার পর এইটাই ভালো লাগতেছে ভালো আলতা আলতার দাম আলাদা দেবো ঠিক আছে কেন আলাদা দেবো শাখা উল্টো করতেছে কেন কেন দেবো আলাদা শাখার সাথে সিন্দুর ফ্রি আলতা ফ্রি হয় না এই 650 টাকা খরচে শাখাওয়ালা বোন করা দে देखो अभी रितु छिल रही है इसको। क्या बोलूँ अंगूर इधर फ्रूट्स है 7 टाइप का और यहाँ बन रहा है पीठे जो कि दीदी बना रही है यहाँ पे दीदी है